वही कई कंट्रोवर्सी से गुजर चुकी फिल्म राम गोपाल वर्मा की आग में उर्मिला ने किया महबूबा महबूबा गाने का जबरदस्त आइटम नंबर, और इसी गाने से उर्मिला की तुलना की गई मलिका से। मेरे जैसा शायद ही किसी ने इस गाने को एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा इतने बरसों में। और एक बात जो आप लोग नहीं जानते, जो आपको कहूंगी कि ये मैंने पर्दे पर करने के पहले कई लाखों बार पर्दे के पीछे कर चुके हो। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग जो किसी को भी थिरकने पर मजबूर करे। इस गाने की खासियत ये है कि गाने का बेसिक इसेंस रखते हुए, द सिग्नेचर ट्यून रखते हुए, गाने की कोई भी बात को डुप्लीकेट करने की कोशिश नहीं की गई है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, एज एन एक्टर ऑल्सो मैंने मेरी जिंदगी पर यही सोचा है कि आप प्रेरित या प्रभावित बहुत सारे लोगों से हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आप किसी को डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं, किसी की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं, दैट्स एन एंड end and be all and end all of you as an actor. आदमी ये देखने जाए कि हम देखना चाहते हैं कि आपने वो कॉपी कैसे की है, तो वो हरदम निराश होंगे, बिकॉज वो जो चीज़ बनाई गई जा चुकी है एक बार, उसको आप बीट नहीं कर सकते हो। जानबूझ के सोच के रखा गया कि जब लोग आएंगे देखने के लिए, तब वो ये चीज़ देख के इम्प्रेस हो कि आपने कुछ अलग दिया है, कुछ नया दिया है, और वो घर कुछ अपने साथ ले जाएं सोच के कि यार कुछ ऐसा चीज़ देखा जो हमने सोचा नहीं था। ओरिजिनल शोले की महबूबा जितनी चंचल थी, उतनी ही गुस्से वाली नई महबूबा है जो गब्बर को टक्कर देने से पीछे नहीं हटती। नहीं, बच्चन साहब को किसी ने ना कभी कंपटीशन दिया है ना कभी दे सकता है, बट अगर मैं उनके सामने खड़ी भी रह पाई हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी ओर मल्लिका शेरावत ने भी आपका सरूर में महबूबा पर थिरक कर उर्मिला को चुनौती दे दी है, लेकिन उर्मिला इसके बावजूद है बेफिक्र। So I don't think it matters to the public that what who has done and everything, and I think they have a pretty fair idea of who is what and what is what, and I don't think after working for that long I need to say that. I think I'll leave it up to them to say that, so I just am keeping my fingers crossed because it's thanks to all my audiences I am where I am, and I hope that they take me even further with this song. इस फिल्म से एक बार फिर रामू और उर्मिला की रीयूनियन होने जा रही है। कुछ समय पहले इन दोनों के बीच अनबन की खबरें फैली थी, लेकिन अब जब दोनों एक साथ हैं तो लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं। ये सब चीजें मैं नहीं सोचती, आई थिंक ये सब चीजें आप लोगों का सोच है, लेकिन यस वी हैव डन सम ग्रेट वर्क टुगेदर, एंड आई फील ये भी उसमें का एक बहुत ही अहम मोड है, और आई होप लोग इसे भी बहुत पसंद करेंगे। उर्मिला की कई फिल्मों का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रोमा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।